मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्र गुजारी करती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ पाक कलाम में से जो मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करूँ। हालेलुया। हम देखते हैं जॉन चैप्टर 12 उसकी वर्स 26, यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 26 आयत में यूँ लिखा है, खुदावन कहता है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले और जहाँ मैं हूँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप इसकी इज्जत करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमने यहाँ पे देखा खुदावन के कलाम में और पढ़ा और बरकत को हासिल किया कि सबसे बड़ी खिदमत ये है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, हम उसको फॉलो करें, खुदावन की प्रीचिंग को, उसकी टीचिंग को फॉलो करें। खुदावन का कलाम कहता है कि अगर मैं खुदावन यीशु की खिदमत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो लाजमी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके पीछे पीछे चलें, हम अपनी स्लीप को उठाएं, रोज़ अपनी स्लीप को उठाएं। खुदावन कहता है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, हालेलुया, तो यीशु के नाम को इज्जत देने का यकीनी तरीका यही है कि जैसे वो करता था वैसे हम भी करें। हमें हर रोज़ इस बात का ध्यान रखना है कि हमने उसके हुक्मों को मानना है, उसके कलाम की मुनादी करनी है, दुआ करनी है, हमने रोज़ों में ठहरना है। आपको जो वक्त मुनासिब लगता है आप अपने लिए सेलेक्ट करें जिसमें आपको इजी हो कि आप दुआ करें, रोज़ा रखें। खुदावन का कलाम कहता है कि अगर यीशु की तरह के हम अमल करें तो हमें उसकी रफाकत हासिल होगी, हमें उसकी बरकत हासिल होगी, हमें उसकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में हासिल होगी। हालेलुया। खुदावन कहता है कि अगर मैं इसकी मानत होऊंगा तो वो मेरे साथ होगा और अपने मुकर्रर वक्त पर वो मुझे और आपको अपने साथ आसमान पर, जो हमारा खुदावन ने हमें जगह दी है, जो इसके लिए खुदावन यीशु मसीह नासी बहुत जल्द आने वाले हैं हमें लेने के लिए, तो वो हमारे साथ सुकूनत करेगा। आमीन। बशर्ते इस बात पर कि हम खुदावन के साथ चलते हैं। खुदावन का कलाम कहता है कि अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले और जहाँ मैं होऊंगा मेरा खादम भी होगा। खुदावन ने आपको ड्यूटी दी है, आपको अपना खादम बनाया है और आपने उसके पीछे पीछे चलना है। इस वक्त तक मैं इस दुनिया में उसके पीछे पीछे अगर चलती हूँ तो मुझे कोशिश करनी होगी, मुझे यीशु मसीह की तरह दुख उठाने होंगे, मुझे यीशु मसीह की तरह रिजेक्शन भी हो सकती है, मुझे यीशु के मसीह की तरह बेइज्जत भी किया जाएगा, लेकिन मैंने सब्र करना है, मैंने खुदावन के कलाम पे एतमाद करना है। इसी तरह आप भी इस दुनिया में इसके साथ चलें और कुछ अरसे तक हम जब दुख उठाएंगे तो खुदावन हमें अपने जलाल में भी शामिल करेगा। यीशु मसीह नासरी ने खुद इस दुनिया में दुख उठाया, सलीबी मौत एक्सेप्ट की और हमारी शर्मिंदगी को खुदावन ने अपने ऊपर लिया। तो खुदावन के नाम से जब हम भी खुदावन के नाम से रिजेक्शन हमें होती है, हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, तो खुदावन हमें अपने जलाल में भी शामिल करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना जॉन चैप्टर 13 13 बाब उसकी 32 आयत में खुदावन कहता है यहाँ पे, और खुदा भी इसे अपने जलाल देगा बल्कि इसे फिर फोर जलाल देगा। आमीन। हालेलुया। किसको जलाल देगा? अपने खादम को, जो खादम उसके साथ चलता है, और खुदावन ने इसमें जलाल पाया और खुदा इसे भी अपने जलाल देगा। हालेलुया। खुदावन आपको भी अपने जलाल में जगह देगा, जिस तरीके से यीशु मसीह नासरी ने जलाल पाया और हम जितने यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हमारे खुदावन का अंजाम और हमारा अंजाम एक ही होगा। खुदावन भी इस दुनिया में दुख उठाकर तख्त पर पहुंचे और हम भी तख्त पर पहुंचाए जाएंगे। यह खुदा का वादा है कि खुदावन ने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। हम उसके दुखों और में जब शामिल होते हैं और उसके साथ साथ होते हैं तो उसके जलाल में भी उसके साथ होंगे। हमें हिम्मत करनी है, हमें साबित कदम रहना है, हमने यीशु के खून को याद रखना है, हमने उसके निशानों पर चलना है, उसकी तकलीफ़ों को याद रखना है, तो खुदावन भी हमें कभी नहीं भूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह उसके बेटे
उनके पीछे हम चलते हैं, हम उसके पीछे हो लेते हैं, हम अपने खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ वफादार रहेगा और हमें बरकत देगा, हमें अपने जलाल में शामिल करेगा और हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदावन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, यहाँ पे लफ्ज़ आया है कि अगर कोई मेरी शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं मेरा खादम भी होगा। अब आप देखें कि आपकी कॉलिंग क्या है, आप उसके खादम हैं, आप उसके हुक्मों पर चल रहे हैं, और आपने देखना है कि आपने बपतिस्मा लिया है, आपके पास रूल कुदस का बपतिस्मा है। हालेलुया। बपतिस्मे से मुराद पानी का बपतिस्मा। बहुत सारे लोग जब हम बपतिस्मा कहते हैं तो वो सोचते हैं कि बचपन का बपतिस्मा, लेकिन बचपन में कोई बपतिस्मा नहीं होता, बल्कि वो ब्लेसिंग होती है, वो डेलीगेशन होती है, वो मखसूसियत होती है। हालेलुया। तो हमने पानी का बपतिस्मा लेना है, और खुदावन कहता है कि अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप इसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। खुदा बाप इसकी इज्जत करेगा और उसको अपने जलाल में शामिल करेगा। यूहन्ना 13:32 आयत में लिखा है, और खुदा भी इसे अपने जलाल देगा, और बल्कि इसे फिर फोर जलाल देगा। हालेलुया। तो खुदावन आपको अपने जलाल में शामिल करेगा, और उस जगह पे जहां पे खुदावन ने आपके और मेरे लिए वो जगह तैयार की है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, अगर कोई शख्स मेरे पीछे चले, अगर कोई शख्स रोज दुआ करे, हम अगर कोई शख्स दोपहर को दुआ करे, खाने से पहले दुआ करे, खुदावन को हर चीज में शामिल रखे, कोई फैसला करने से पहले अगर आप खुदावन को शामिल करें, अगर कहीं बाहर जाने से पहले आप खुदावन को याद रखें, हर जगह जब आप खुदावन को याद रखेंगे तो खुदावन भी, खुदा बाप भी आपको याद रखेगा, खुदा बाप भी आपको बरकत देगा, खुदा बाप भी आपको अपने जलाल में शामिल करेगा। हालेलुया। खुदावन ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाए हैं, हमें अपने फर्जंद ठहराया। हालेलुया। जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।